नमस्कार, आप देख रहे हैं अभिप्सा, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसके साथ आप छू लेंगे अपनी उम्मीदों का आसमां। आज की बड़ी खबर बहुत दुखद है कि नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, खेल जगत को अपूर्णीय क्षति। जिंदा दिल मिल्खा का मौत से आखिरी संग्राम, डॉक्टर बोले ऐसी हालात में कोई युवा भी एक घंटा जिंदा नहीं रह सकता। फ्लाइंग सिख ने 10 से 12 घंटे जिंदगी की जंग लड़ते हुए बिताए। मिल्खा सिंह जी के जीवन पर भाग मिल्खा भाग फिल्म भी बनी थी, जिसके स्टार फरहान अख्तर ने भी कहा, आपसे सीखा घुटनों से उठकर आसमान को छूना, आप हमेशा जीवित रहेंगे। एक्टर ने प्लेयर को श्रद्धांजलि अर्पित की। 31 दिनों तक चली जिंदगी और मौत से रेस, हम आपको घटनावार पूरा कार्यक्रम बताते हैं। 19 मई शाम की सैर से लौटने के बाद टेस्ट पॉजिटिव आया। घर में काम करने वाले कुक से भी कोरोना पॉजिटिव हुए। दिनांक 24 मई को ऑक्सीजन का स्तर कम होने और निमोनिया पाए जाने के कारण उन्हें फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 26 मई पत्नी निर्मल कौर के साथ आईसीयू से शिफ्ट किया गया। पत्नी भी पॉजिटिव आई थी, दोनों ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, पत्नी से था उनका गहरा जुड़ाव। दिनांक 30 मई को मिल्खा को परिवार के अनुरोध पर अस्पताल से छुट्टी मिली। वे घर पर ही ऑक्सीजन सपोर्ट के साथ आइसोलेशन में रहे, परंतु दिनांक 3 जून को उनका ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया, जिसके बाद उन्हें पीजीआई के आईसीयू वार्ड में भर्ती करवाया गया। 13 जून को पत्नी निर्मल कौर को कोविड की वजह से उन्होंने खो दिया और दिनांक 16 जून को कोविड आईसीयू से नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद उन्हें मेडिसिन आईसीयू में भर्ती किया गया, परंतु 18 जून को मिल्खा सिंह जी का ऑक्सीजन लेवल गिरकर और भी नाजुक हालत में चला गया, जिसके कारण हम सब ने उन्हें खो दिया। आइए अब जानते हैं कौन थे मिल्खा सिंह। देखिए, मिल्खा सिंह एक बहुत अच्छे धावक थे जिन्होंने ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया था। पहले पाकिस्तान में अब्दुल खलीक को हरा कर पाया था उन्होंने फ्लाइंग सिख का किताब। 6000 दर्शक रह गए थे दंग। मिल्खा सिंह जी अब 91 साल के थे, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के कारण उनका निधन हो गया। उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को गोविंदपुरा, जो कि अब पाकिस्तान का एक हिस्सा है, उसके एक सिख परिवार में हुआ था। उन्हें खेल और देश से बहुत लगाव था, इसी वजह से वे विभाजन के बाद भारत आ गए थे और भारतीय सेना में भर्ती हुए। मिल्खा सिंह को सन 1959 में पद्मश्री का अवार्ड दिया गया था। वर्ष 2001 में उन्होंने अर्जुन अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि आजकल अवार्ड मंदिर में प्रसाद की तरह बांटे जा रहे हैं। उनको पद्मश्री के बाद अर्जुन अवार्ड दिया जा रहा था, जो उनको गंवारा नहीं हुआ। मिल्खा जी ने 1958 कॉमनवेल्थ गेम्स में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड जीता था। 56 साल तक यह रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। वर्ष 2010 में कृष्णा ने थ्रो में यह गोल्ड मेडल हासिल किया। अपने पूरे जीवन काल में मिल्खा सिंह अपने फिटनेस के कारण बहुत चर्चित रहे। वे कहते थे, जितनी भूख हो उसे आधा खाइए, क्योंकि बीमारियां पेट से शुरू होती हैं। अगर खून शरीर में तेजी से बहेगा तो बीमारियां बहा देगा। वर्ष 2018 में 4 मार्च को पंजाब यूनिवर्सिटी में होने वाले 67वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में उड़न सिख मिल्खा सिंह को खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उपराष्ट्रपति और पंजाब यूनिवर्सिटी के चांसलर एम वेंकैया नायडू के हाथों उन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ था। अवार्ड मिलने के बाद मिल्खा सिंह ने कहा था, वे चाहते हैं कि उनके मरने से पहले कोई भारतीय गोल्ड मेडल अवश्य जीत करके लाए। मिल्खा सिंह 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर की दौड़ में चौथे स्थान पर रहे थे। हालांकि वे मेडल जीतने में सफल नहीं हुए थे, परंतु उन्होंने वह दौड़ पूरी करने में मात्र 45.43 सेकंड का समय लिया, जो हमारा नेशनल रिकॉर्ड बना। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दिया था फ्लाइंग सिख को यह नाम। उनके जीवन काल में अनेक रोचक घटनाएं हुई, जिसके कारण फिल्मकार भी उनके ऊपर फिल्म बनाने को मजबूर हो गए। वर्ष 1960 में अयूब खान ने इंडो पाक स्पोर्ट्स मीट के लिए मिल्खा सिंह को पाकिस्तान आमंत्रित किया था। मिल्खा सिंह बचपन में ही जिस देश को छोड़कर आए थे, वहां वे वापस नहीं जाना चाहते थे, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जोर देने पर
वे भारतीय दल के लीडर के तौर पर पाकिस्तान गए। मिल्खा ने 200 मीटर स्प्रिंट में पाकिस्तान के सुपरस्टार अब्दुल खलीक को आसानी से हराकर गोल्ड मेडल जीता। मेडल सेरेमनी में अयूब खान ने मिल्खा सिंह को पहली बार फ्लाइंग सिख कहा था, जो नाम उनका अत्यंत प्रसिद्ध हुआ। ये है मिल्खा सिंह जी के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिलने की तस्वीर। वे इसमें सेना की वर्दी में हैं। वो तीसरे अटेम्प्ट में सेना में चुने गए। मिल्खा सिंह ने जीवन में जो फिटनेस मंत्र पालन किया, वही हम आपको बता रहे हैं। सेहत के लिए 10 मिनट निकालना बेहद जरूरी है। पार्क हो या सड़क, 10 मिनट तक तेज वॉक अवश्य कीजिए। थोड़ा कूद लीजिए और हाथ पैर अवश्य चलाइए। फिटनेस से ही जीवन में बदलाव आएगा। फिट रहेंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सारा जीवन उन्होंने इसी मंत्र का पालन किया। अब हम आपको सुनाएंगे वह स्पीच जो उन्होंने स्वयं स्टार सेल के इवेंट में दिया था। उन्होंने कहा, मेरे जमाने में 3 स्पोर्ट्समैन हुए, मैं, लाला अमरनाथ और मेजर ध्यानचंद जी। एक दिन नेशनल स्टेडियम के अंदर लाला अमरनाथ जी से मेरी बातें हो रही थी। ध्यान रहे कि लाला अमरनाथ क्रिकेट के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। उन्होंने बताया कि मुझे मैच खेलने के लिए 2 रुपए मिलते थे और 3rd क्लास में सफर करना होता था। अब हालात कितने बदल गए हैं। क्रिकेट में ही विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी के पास कितना पैसा है, लेकिन तब इतना पैसा खेलों में नहीं मिलता था। मेजर ध्यानचंद हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। जब वे 1936 के बर्लिन ओलंपिक में खेल रहे थे, तो हिटलर ने उनसे कहा था, ध्यानचंद आप यहीं रह जाइए, आपको जो चाहिए हम देंगे। लेकिन ध्यानचंद जी ने कहा, नहीं, मुझे अपना देश प्यारा है, मुझे वापस जाना है। 1958 के कॉमनवेल्थ गेम्स में जब मैंने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता, तो क्वीन ने मुझे गोल्ड मेडल पहनाया। उस समय स्टेडियम में करीब 1,00,000 अंग्रेज बैठे थे और भारतीय गिने चुने ही थे। क्वीन जैसे ही गोल्ड मेडल पहनाकर गई, तो एक साड़ी वाली औरत जो क्वीन के साथ ही बैठी थी, दौड़ती हुई मेरे पास आई और बोली, मिल्खा जी, पंडित जी, जवाहरलाल नेहरू का मैसेज आया है और उन्होंने कहा है कि मिल्खा को पूछो उसे क्या चाहिए। आपको मालूम है मिल्खा सिंह ने उस दिन क्या मांगा था? सिर्फ 1 दिन की छुट्टी। जी हाँ, वो बोले, मैं पंडित जी से कुछ भी मांगता तो मिल जाता, लेकिन मांगने में शर्म का भाव था। कहा भी है, रहीमन तेनर मर गए जे कहीं मांगन जाही, और उनसे पहले वे मरे जिन मुख निकसत नाही। तब मेरी तनख्वाह 39.08 रुपए आने थी। सेना में मैं सिपाही था और उसी में हम गुजारा किया करते थे। लेकिन आज जमाना कितना बदल गया है। खेलों में कितने इक्विपमेंट आ गए हैं, स्टेडियम बन गए हैं, परंतु 1960 में सुविधाएं न होने के बावजूद मिल्खा सिंह ने जो रिकॉर्ड बनाया था, आज तक कोई भी भारतीय खिलाड़ी वहां तक नहीं पहुंचा है। आगे बढ़ो, सब कुछ है हमारे पास। दूसरे देशों के खिलाड़ी ये सोच के आते हैं कि उन्हें मेडल लाना ही है। आज उसेन बोल्ट को पूरी दुनिया जानती है और कहते हैं कि वह जमैका का खिलाड़ी है, जबकि भारत की आज़ादी के बाद केवल 5-6 खिलाड़ी ही फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन मेडल नहीं ला पाए। मैं भी उनमें से एक हूँ। जब कोई वहां से मेडल लेकर के आएगा, तब मैं मानूंगा कि बदलाव हुआ है। ये थी मिल्खा सिंह की आखिरी स्पीच और उनकी हार्दिक इच्छा, जो सभी भारतवासियों को मिल करके पूरी करनी है और उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। इस तरह की जानकारियों को जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।